आप वही कर रहे हैं। फिर शैतान वहां पे रुकता नहीं है, बोला अच्छा ठीक है, तो आपके लिए कुछ आया होगा, रोना चिल्लाना जो हुआ तो हुआ, गर्म किया करता ही रहेगा। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करेगा तो शैतान को मौका मिलेगी, उसके बाद उसको शैतान ने नमाज के बीच में पहनाने की कोशिश करता, वहां भी तरह तरह का ख्याल सामने मिल जाएगा, अरे तुम्हारा क्या विभाग करना पैसा बाकी है, अरे तुमको पढ़ाने में ऐसा कह दिया था उसको जवाब देना, कमाना काम तो जवाब करके करना है तो उसको अभी करो ये करो, जितनी भूली जितनी चीजें हैं उसको याद आ जाती है। अब उस वक्त क्या होता है, अरे कसर पड़ी थी दो पड़ी थी तीन कितनी पड़ी थी याद पड़ी थी भूल गए, कभी दोबारा पड़ गया कभी कुछ कर, ये तरह से बुलाते बुलाते आया कि शैतान चारों तरफ से बहकाने की और नमाज छुड़ाने की कोशिश करता है, नमाज छुड़ाने की कोशिश करता है, किसी तरह भी इसकी नमाज मुकम्मल ना हो, बीच में ही छोड़ के कोशिश करता है, ये कोशिश होती है अच्छा बीच में छोड़ नहीं, अगर ना कर ऐसे अगर पढ़ लिया अगर सभी पढ़ के छोड़ दे सलाम सिर्फ पहले ही छोड़ दे, लेकिन जब बंदा आखिर तक क्या करता है, जब नमाज पूरी करता है और पूरी करके जब सलाम कहता है शैतान फिर रोता और चिल्लाता है, हाय और सजदे तो हो, इसीलिए सजदे तो है कि जो भूल चुकी हो गई उसके लिए बंदा सजदे तो करता है, तो हमारे भूल तो भूल का सजदा, जब जब सजदा करता है इंसान ये मोमिन बंदा तब तक शैतान को तब तक है दूसरे दिन नहीं देखता, तब तक शैतान जो है वो चीखता और चिल्लाता है हाय खुदा यही सजदे के लिए तूने मुझे निकाल दिया, आपने वहां आसमान सजदे यहां भेज दिया फरिश्तों की जमात सजदे यहां पे, ये सजदा और ये इंसान है कि बार बार तुझे सजदा नहीं चला जा रहा, इसलिए उसको बहुत भारी सजदा और तकलीफ होती है, इसलिए काम मुश्किल का भी वही फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही फरमान अल्लाह पाक का भी वही फरमान, नमाज पढ़ना है और नमाज से ध्यान रखना ये नमाज है, कि नमाज को अल्लाह के रसूल के रखा में सुना है इशारा फरमाया कि नमाज है क्या चीज, ये नमाज ये तुम्हारे लिए ये खंभा है एक पिलर है, इस पिलर को और से खड़ा करोगे इसके ऊपर जितनी भी इमारतें कायम करोगे सब खड़ी हो जाएंगी, ये पिलर है, अगर ये पिलर नहीं हुआ तो इस पिलर पिलर नहीं है तो कोई भी बिल्डिंग कोई भी इमारत उस पर खड़ी नहीं कर सकते, कोई छत नहीं उस पर खड़ा कर सकते, इसलिए फरमाया अस्सलात व इमारुद्दीन नमाज दीन का खंभा है दीन का पिलर है सुकून है, वमन अकामहा फलदीन और जिसने नमाज को कायम कर दिया वो या उसने दीन को कायम कर दिया दीन का कर दिया, तो ये दीन इस्लाम दीन और एक नमाज एक तरफ इस्लाम पूरा अकाम के साथ एक तरफ और एक नमाज एक तरफ, तो जिसने नमाज को पूरा कर लिया उसने पूरे दीन को कायम कर लिया, ये वमन तरकहा फलदीन जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया दीन को ढा दिया यानी घर बना करके उसको तोड़ दिया उसने ढा दिया तोड़ दिया तबाह कर दिया उसने नाबूद कर दिया उसने, ये नमाज इस तरह की उसके लिए और नमाज पढ़ने के लिए जाहिर है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चल आए हैं कहां से चले हैं रात से और ये क्या है अल्लाह के पास से रात कौन सी नमाज रात से हो गया कितना पांच नमाज ये पांच नमाज ही हम लोग के लिए मुश्किल पेश आ जाती और वो पचास नमाज को कम करते गए एक एक करके पांच 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 करके कभी पांच कभी दस इस तरह से कई मरतबा का आम आ जाना आम रिवायत है कि नौ मरतबा हजरत के पास सोना तशरीफ ले गए और हजरत इस्लाम के कहने पे गए खुद तो नहीं कहने पे गए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मिला आपको अल्लाह के पास से तो अल्लाह के पास से मुझे क्या मिला लोग नमाज
एकदम अपने ये काम करेंगे, सारा काम करेगा, बड़े बड़े बिजनेस खाएगा, बड़े बड़े फैक्ट्री खाएगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खाएगा, काम काम रहा होगा, यूनिवर्सिटी खाएगा, सब कुछ करेगा, पूरी घटना को करा देते हैं, लेकिन हमारा नहीं ये बाहर नहीं होते का क्योंकि कुदरत नहीं है इसको चाहे जिसको आप नहीं चलिए आप मेरे ये जिसके पास नमाज है वो Yeah.
जिनकी आँख में ऐसी तकलीफ पेश आई और उसके बाद उन्होंने बताया किया करने के बाद उन्होंने बताया कि फिर जिंदगी भर हमें ये बीमारी नहीं गुना की कोई बीमारी नहीं
कीचड़ और पानी के बीच में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उस वक्त नहीं रहूंगा। जबकि हजरत आदम अलैहि सलाम मिट्टी और पानी के बीच में थे, मैंने जब आपको खुदला तैयार किया जा रहा था मैं उस वक्त नहीं रहूंगा। एक बार हजरत जिब्रील अलैहि सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोलो ये किसको की बातें हैं? तो बताया कि जिब्रील को अनुरोध करते हैं, और उसको आपने साबित किया कि अल्लाह है,
की अल्लाह ही हमारा खालिक है, वही मालिक है, वही राजिक है, लिहाजा उसको ही तो सजदा करो, उसी की तो इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी का हरम जिक्र करो, उसी पर तवक्कुल करो, उसी की आदत से करो। और जो कुछ मांगो तो उसी से मांगो, रसीदा जिंदा भी सजदा करो। हम डायरेक्ट तो दे नहीं मांगते हैं, इसलिए डायरेक्ट भी मांगते हैं कि मेरी जबान जो है वो नापाक है, हम हलाल नहीं खा पाते हैं, हराम का बहुत ज्यादा चर्चा है आज के वक्त में, इधर देखो इधर झूठ, इधर देखो इधर हराम, हर तरफ मामला कारोबारी, और ये वो दुनिया भर का मामला चल रहा है। ईमान का क्या हाल है, हम बोलने को जरूर नमाज़ है लेकिन हकीकत में नमाज़ नहीं, हम बोलने को जरूर मुसलमान है लेकिन हकीकत में हम मुसलमान नहीं कराते, नहीं हो पा रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। और इस तरह से हमारे जो मामला और मुआशरा जैसे होने चाहिए हमारे साथ नहीं हो मामला, बहुत दूर है कहाँ से हमारे राम की जिंदगी, खाने खाने के लिए वहाँ की परेशानी थी, जाने जाने के लिए लोग परेशान थे, लेकिन ईमान तो बहुत मजबूत, यकीन और अकीदा तो बहुत मजबूत था। आज हमें खाने पीने रहने सहने की हर तरह की आसानी और पड़ा पानी है, लेकिन ऐसे मौके पर हम क्या ईमान से बहुत कमजोर है, हमारा ईमान थोड़ा मजबूत है, हमारी नमाज जो काफी थी, हमारी नमाज जो विभाग थी, हमारी नमाज के अंदर में वो जान नहीं जो जान होना चाहिए था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे पाल कहते हैं ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना यही ईमान, ईमान ये कहती है मेरी जान है। कुरान कहता है कि ईमान हमारी जान है, और ईमान कहता है कि मेरी जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान का कहना यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से